बाहर आओ, आ जाओ, कम कम निकाल दिया। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपने फर्स्ट ब्लॉग में देखा था कि मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर बनाया है। ये वीडियो मैं उसी के आगे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वही ड्राई फ्रूट पाउडर का यूज़ करके मैं आज ड्राई फ्रूट और आटे के लड्डू बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने आटे के लड्डू के लिए भूरा बनाने के लिए चाशनी रख दी है। इसके लिए मैंने 3 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी पानी लिया है। इसको कंटिन्यूसली मैं चलाते जाऊँगी, तेज़ आँच पर पकाना है और ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं बनने में। और ना बीच में इसमें मैं 2 चम्मच घी भी डाल रही हूँ। घी डालने से ना क्या होता है कि ये ना इसकी गिल्टियाँ नहीं पड़ती हैं, अदरवाइज ना बहुत हार्ड हो जाता है और फिर इसको मिक्सर में ग्राइंड करना पड़ता है। घी डालने से ही हमेशा सॉफ्ट ही रहेगा। तो ये देखिए अभी ये अच्छा थिक होते जा रहा है और हमें काफ़ी थिक करना है इसको। धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसके बाद ना मैं इसको एक दूसरे थाली में या बर्तन में किसी में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि ये और भी ज़्यादा ठंडा हो जाए। और जब पूरा ठंडा हो जाएगा ना, तभी हम इसको यूज़ करेंगे। ये इस तरह से मैंने इसको फैला दिया ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके। और दूसरी तरफ ना मैंने गैस में आटा भी रख दिया भूनने के लिए। तो उसके लिए मैंने 3 कटोरी आटा लिया है। यहाँ होशी उठ गई थी तो मैंने पहले उसको फीड करा दिया है ताकि वो मुझे इजीली काम करने दे, अदरवाइज़ वो क्रैंकी हो जाती है और रोने लगती है, परेशान करती है। तो यहाँ पर मैं आटा भून रही हूँ। आटे को मैंने घी डाल डाल के ही भूना है। इतने आटे में आपको कम से कम 2 कटोरी घी लगेगा ही लगेगा। तो मैंने अच्छे से घी डाल के भूना है ताकि लड्डू अच्छे से बन जाए। और ये ड्राई फ्रूट पाउडर है जो मैंने बनाया हुआ था, ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था। आपको यदि देखना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इधर मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर मिला दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और फिर इसके बाद जो शक्कर का भूरा हमने बनाया था, इसको भी मिक्स करेंगे। शक्कर का भूरा लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है। आपने यदि ट्राई नहीं किया है तो इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसे। तो इस तरह से हमें अच्छे से मिलाना है। और होशी फिर से मेरे पास आ गई है, अभी वो मुझे काम नहीं करने दे रही है। तो मैं अभी थोड़े ही लड्डू बनाऊंगी और फिर थोड़ा होशी को संभालना है, फिर उसके बाद मुझे जब टाइम मिलेगा। ये बच्चा कहाँ है? उषा, उषा, व्हाट आर यू डूइंग? हे बेबी, बाहर आओ, आ जाओ, कम कम इन्ना शैतान बच्चा, इन्ना शैतान। होशी को थोड़ा संभाल कर आई हूँ, वो भाई के साथ खेल रही है। तो अब जाकर मैं लड्डू बनाऊंगी। और यदि आप भी थोड़ा टाइम बाद बना रहे हो, आपने मिक्सर बना के रख लिया, थोड़ा टाइम बाद लड्डू बना रहे हो ना, तो उसमें और घी मिक्स कर लेना, तो वो इजीली बन जाएंगे। यहाँ पर मैं होशी के लिए ना पालक खिचड़ी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पालक ले ली है और मूंग दाल, लाल वाली जो दाल होती है ना वो दाल, अरहर दाल और राइस का मैंने पहले से भिगो कर रख दिया था। थोड़ी देर पहले भिगो के रख दो ना, तो ये थोड़ा और न्यूट्रिशियस हो जाता है। तो यहाँ मैंने पालक डाल दिया, पालक को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने दाल और चावल का मिक्सचर इसमें डाल दिया है और इसको भी थोड़ा सा भूनूंगी। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है। और मैं बच्चों के खाने में ना हींग और लहसुन का तड़का हमेशा लगाती हूँ, तो हींग और लहसुन का तड़का मैंने लगाया था। यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी, बहुत अच्छे से इसमें सीटी वगैरह आ जाएंगी, फिर उसके बाद मैं इसको बच्चों को खिला दूँगी। यहाँ मैंने कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर करी थी तो ग्रॉसरी भी आ गई थी। इसको मैंने डी मार्ट से ऑर्डर किया था और डी मार्ट ना पूरा 1 दिन लेता है यहाँ रायपुर में ग्रॉसरी डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अवियान से थोड़ा सा हेल्प मांगी है और अवियान मेरी हेल्प कर रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये सारा सामान उसी ने आज उठा कर रखा है। इस तरह से अपना बच्चों से थोड़ा थोड़ा हेल्प लेने से ना उनका हैबिट बनता है हेल्प करने का। अब वो देखते हैं ना कि मम्मा ही सारा काम कर रही है, तो थोड़ा सा वो लोग भी हेल्प कर देते हैं, तो हमें भी हेल्प हो जाती है और अच्छा भी लगता है और उनकी हैबिट भी बन जाती है।
ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आप बनाना और आपके घर में सबको पसंद आएगा। मेरे घर पे ये चीले सभी को पसंद है, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत अच्छे से खाते हैं। तो इसके लिए ना मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच बेसन लिया है और जिंजर गार्लिक लिया है और जो भी वेजिटेबल्स मेरे पास अवेलेबल थे ना सभी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। आप भी आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो सब इसमें डाल सकते हो। तो वेजिटेबल्स होने के कारण ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है और बड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। और इसमें ना कुछ मसाले मैंने डालने हैं, जीरा डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ और 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी आप डालिए क्योंकि बेसन है तो अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। यदि पालक है पालक डाल दीजिए, धनिया है तो धनिया से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मेरे पास अभी धनिया नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है और मिर्च मैं बाद में डालूंगी क्योंकि पहले मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, उसके बाद मैं हम लोगों के लिए बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ना इसमें 2 ग्लास 2.5 ग्लास के करीब पानी डाला है। तो आपको ना इसका बहुत पतला भी घोल नहीं करना और बहुत मोटा भी घोल नहीं रखना है। तो इस तरह की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो जैसा मैंने बनाया हुआ है। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, कोई भी लम्प्स ना हो। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब एक नॉनस्टिक पैन रखकर उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है, या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप घी भी लगा सकते हो। सो मैंने इधर पे ऑलिव ऑयल लिया है, उसको थोड़ा सा लगाया है पैन पे और इसको अच्छी तरह से जैसे हम चीला बनाते हैं या फिर डोसा बनाते हैं उस तरह से इसको लगा देना है पैन पे अच्छी तरह से। और ये ना थोड़ा सा टाइम लेता है बट बहुत टेस्टी लगता है। सो आप भी इसको ट्राई कीजिए, मेरे घर पे तो सबको पसंद है। यदि आप ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट करके। और इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद आप इसे ना दही के साथ सर्व कर सकते हो या फिर आप नींबू के अचार के साथ सर्व कर सकते हो या फिर सॉस वगैरह के साथ भी आप सर्व कर सकते हो। बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी तो ये है ही। सो दोनों तरफ से सेकने के बाद ये सर्व करने के लिए रेडी है। सो मेरे बच्चे अब वेट नहीं कर पा रहे हैं, अभियान को मैं ये खिला रही हूँ। सो यदि आप ट्राई करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आप मिलते हैं आप सभी से मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।